व्हाट इज क्रिकेट के साथ आज मुजाहिद जमशेद एक बार फिर वन क्वेश्चन वन आंसर के साथ। एक मेरे भाई ने एक सवाल किया कोरंगी कराची से मुश्तबा, उसने एक सवाल किया कि सरफराज को का फ्यूचर आप किस तरह देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा, और जिस तरह की रिजवान परफॉर्मेंस कर रहा है और सरफराज बेंच पे बैठा हुआ है एज ए सीनियर प्लेयर जिसने इतनी कामयाबी ली हो कि मुझे आज भी याद है कि मैं एक सफ़र कर रहा था तो मिसबा ने मुझे ये बात कही थी कि जब सरफराज टीम में आया तो उसने एक ट्रेंड सेट किया था, एनर्जी डाली थी टीम के अंदर कि मैच जीते कैसे जाते हैं, हमें वो टेस्ट मैच नहीं भूलना चाहिए जिसमें उसने 300 समथिंग एक ही दिन में किया। उस मैच में पाकिस्तान श्रीलंका से वो टेस्ट मैच भी जीता। तो उसके बाद सरफराज ने मुड़ के नहीं देखा, उसके बाद हमने देखा कि उसकी कप्तानी में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल की, चैम्पियनशिप भी जीते, उसके बाद T20 में डोमिनेट किया लगातार, हमने 18-20 सीरीज भी जीती। तो ये सारा क्रेडिट सरफराज को जाता है। तो ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि रिजवान जब टीम में आए तो उनको बीट करना था बड़े प्लेयर को। जब आप बड़े प्लेयर को बीट करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो आपको मेंटल टफनेस और जो आपकी कोर स्किल्स है उसको आपने हर तरह से जोर लगाना पड़ता है, फिर आपको उस तरह के रिजल्ट मिलते हैं कि जो आपको फोर्स करते हैं कि जी अब सरफराज की टीम में जगह नहीं बनती। मैं समझता हूँ कि सरफराज ने जितना परफॉर्म किया मैं उसको हमेशा बड़ा हाईली रेट करता हूँ, ना तो वो एक अच्छे बैट्समैन भी थे उसके साथ साथ एक अच्छे विकेट कीपर, एक अच्छे लीडर भी थे। तो लेकिन जिस तरह रिजवान ने परफॉर्म किया अनफेवरेबल कंडीशन में, जिस तरह उसने लगातार 5-50 किए, टफ कंडीशन थी, 34 पे 5 55 पे 5 वहाँ पे आके परफॉर्म करना एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और उसके बाद जिस तरह ये दो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ उसने पहले T20 में सेंचुरी की, फिर दूसरे मैच में 51 रन किए, तो मैं समझता हूँ कि सरफराज का बेंच पर बैठना मेरा ख्याल ठीक नहीं है एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए एक्स पाकिस्तान कैप्टन। आप उसको उस जगह को छोड़ के, जो मेरा एक फेवरेट प्लेयर है आज़म खान नो डाउट, वो स्ट्रगल ज़रूर कर रहा है अपनी फिटनेस के लिए, उसको इम्प्रूव भी कर रहा है और काफ़ी हद तक उसने इम्प्रूव भी की है, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट जो प्लेयर डेवलपमेंट में है वो बिल्कुल 100% फिट होता है। बेंच पर उसको ज़रूर बिठाना चाहिए ताकि वो जो टॉप का एक्सपीरियंस है बेंच पे बैठना, ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उसको ले कल उसका उसको चांस मिलता है तो उसको कोई डिफरेंट फीलिंग ना आए, उसको पता हो कि मैं इस टीम का हिस्सा ही हूँ और उसको परफॉर्मेंस करने में कोई प्रॉब्लम। अगर हम देखें दोनों की बैटिंग स्टाइल को तो मॉडर्न क्रिकेट को दोनों मीट करते हैं। अगर हम बात करें सरफराज की तो मॉडर्न क्रिकेट से अब वो बहुत पीछे चला गया, तो हमने आगे को जाना है पीछे को नहीं जाना। मैं यहाँ पर PCB से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि सरफराज के लिए एक फेयरवेल मैच ज़रूर ऑर्गेनाइज करें और तो इज्जतदार तरीके से क्रिकेट को गुड बाय कहने का एक फेयर मौका देना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर स्टीवॉक की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उनको बड़े अच्छे अंदाज में क्रिकेट से रुखसत किया है। तो उसी रिस्पेक्ट का मैं समझता हूँ सरफराज भी डिज़र्व करता है। जब एक शेर ने दूसरी जगह पे अपनी कमांड करनी होती या उस पर अपनी मलकियत करनी पड़ती तो उसको पहले वाले से लड़ना पड़ता है। यहाँ पे हमने देखा कि नो डाउट रिजवान ने अपनी जगह पे कमांड की और अपनी जगह छीनी, अपनी मेहनत से छीनी, अपनी परफॉर्मेंस से छीनी। ना सिर्फ उसने बैटिंग में बल्कि विकेट कीपिंग में डाइव्स की, जिस लंबी लंबी डाइव्स की। दूसरा एक बब्बर शेर ज़रूर मैं कहूँगा आज़म खान, जिसको मैं देख रहा हूँ कि टेक्निक बड़ी अच्छी है, बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, पावर हीटर है, और मॉडर्न क्रिकेट में हमें T20 में ऐसे ही प्लेयर चाहिए जो पहले 6 ओवर में डोमिनेट करें, दायरा टपाएं और एक ट्रेंड सेटर की तरह आएँ। तो एक और शेर है, लेट देम फाइट टुगेदर, और इन दोनों को अब बेंच पे भी शेयरिंग करनी चाहिए, ड्रेसिंग रूम में भी शेयरिंग करनी चाहिए, और होप के आज के प्रोग्राम में आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। और इसी तरह व्हाट इज क्रिकेट के साथ जुड़े रहें और मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से जितनी भी हमारे पास नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहें। अंटिल बाय बाय।